For example, honey, same namune sabal kehne ke file, save as, and scene 4 kare hai us. Thika, at this point, at least agar vanya de hai stain to come to mujhe mehfooz ho jai, chalo maya crash bhi the to files somehow, wo kharaab bhi karta hai. Better hai ki aap maya ko jo hai, aksar ek scenes ke saab se save kar do. So, I say select this plane, assign existing material, aur isko bhi jo hai, main material de dunga mera kahan gaya, outside floor wala. Wo sara outside floor mera same hokar aa jayega. इन पिलर्स को मैं ऑलरेडी मटेरियल दे चुका हूं ठीक है इसी तरीके से ये वाला बीम आ गया तो इसको भी मैं फॉर एग्जांपल अब दूंगा असाइन न्यू मटेरियल ब्लिन ठीक ब्लिन ब्लिन में मटेरियल में आ गया और मैंने इसको दे दिया फाइल फाइल से फाइल नोड फाइल टेक्सचर एंड देन यहीं पे रहते हुए मार्बल 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 अब की बार मैंने इसको कर दिया कि यार दिस शुड बी फॉर एग्जांपल दिस ग्रीन मार्बल ठीक है तो लाइट ग्रीन मार्बल जो था वो मैंने उठा दिया इसको और फिर इसको सेलेक्ट करते हुए यूवी मैपिंग इसको भी मैंने कर दी ऑटोमेटिक मैपिंग ठीक है ऑटोमेटिक मैपिंग से ये हुआ कि आपका ज्योमेट्री सेट हो जाएगी राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड ज्योमेट्री सेलेक्ट की और फिर हम आ गए मटेरियल एट्रीब्यूट्स में फाइल के अंदर गए प्लेस 2D टेक्सचर नोड फिर इसकी रिपीट टाइलिंग को फॉर एग्जांपल मैंने 10 बाय 10 कर दिया या और आपको बढ़ानी है डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मच यू वांट सो फॉर एग्जांपल 15 बाय 15 तो वो टेक्सचरिंग आ जाएगा ठीक है अब आता है उसूल बम्प का मैं फॉर एग्जांपल यहां पे देना चाह रहा हूं ये बम्प मैपिंग अच्छा ठीक है So, what I do now is कि मुझे इन walls को texture देना है, pillars को texture करना है। तो pillars के लिए भी again मैंने right click किया, assign new material और फिर again इसको भी अभी मैं blend नहीं दे रहा, क्योंकि blend shine तो है और मुझे pillars में भी shine चाहिए। But blend is a very heavy material। तो मैंने क्या किया? इसकी जगह पे foam दे दिया। Foam भी blend की तरह का ही एक shiny material है, reflection भी दिखाता है। बट थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन लाइट वेट है अरे ठीक है आई थिंक स्विच का प्रॉब्लम है ठीक है तो फॉग भी बेसिकली मटेरियल इसकी शाइन भी है और सब चीज़ें मौजूद हैं फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो है आपका थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल है यहाँ पे आके फिर मैंने इसको कहा कि यार मुझे जो मटेरियल चाहिए वो कुछ फॉर एग्जाम्पल इस तरह का और मैंने कहा कि जो आपका वॉच टावर है तो हम इस तरह का मटेरियल भी बना सकते हैं ब्रिक्स का पूरा टेक्सचर उठाया नीचे की जो ब्रिक्स थी उसको फोटोशॉप में जाके थोड़ा सा ग्रीन कलर का ऐसे स्प्रे पेंट टाइप कर दिया ताकि लगे कि नीचे काई बनी हुई है ऊपर वैसे अब क्योंकि ये समंदर का है तो मैं जो बेस वाले थे उनको इस तरह का मटीरियल दे सकता हूँ पर फॉर दिस केस मैंने कहा यार अभी तो मुनासिब नहीं है पिलर्स को ये वाला देना सिरेमिक सीमेंट और तेरम तम 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 ये ब्रेक 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 मेरे भाई किधर गया वहाँ मार्बल ये वाला मार्बल ओपन ठीक और ये इसको असाइन करा दिया सूलन क्योंकि इसको मैंने एक्सट्रूड किया था तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ भी टेक्सचर हो सकता है ख़राब हो इसको सेलेक्ट करते हैं यूवी में गए क्योंकि सिलेंडर है तो इसकी मैं सिलेंड्रिकल मैपिंग कर दूँगा होपफुली एक को किया सबका सब एडजस्ट हो जाएगा अच्छा अब सम हाउ मटीरियल जो है सिर्फ इस पर असाइन हो रहा है मटीरियल बाकियों पे असाइन नहीं हो रहा तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सॉरी तो मुझे सिर्फ करना ही होगा कि इन तमाम पिलर्स को किया सेलेक्ट ठीक है सिर्फ पिलर्स को सॉरी अच्छा एक काम और भी हम कर सकते हैं माया में एक सेलेक्ट सर्च टाइप का ऑप्शन था कहीं ना कहीं किसी टाइम के आप सर्च करके वो सारे ऑब्जेक्ट सर्च कर सेलेक्ट कर सकते हो ये इधर तो अगर आप आउटलाइनर खोलो यहाँ पे आके अगर आप पिलर लिखो
तो आपके पास उमूमन पिलर आ जाने चाहिए यार। अब ये वो चीज़ आ गई कि आपके पास पिलर कहाँ कहाँ है, तो मैं यहाँ से भी पिलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इधर आ गया फ्रंट आर्च, ये पिलर आ गए। मैंने कहा यार ये पिलर उठाओ, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और इसको कौन सा मटेरियल दिया था, फॉर्म वाला, सबको असाइन करा दिया। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, इनर पिलर्स एम ए आर बी अली मार्बल अंडरस्कोर मटेरियल, ताकि ये मुझे याद रहे कि मैंने क्या मटेरियल देना है। ठीक है, इसी तरह से इस मटेरियल को सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, तो यहाँ पे सारे इसकी चेन आ गई। तो रिमेंबर मैंने सबको ग्रुप किया हुआ था, इसीलिए मैंने सबको एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। क्लिक एंड ड्रैग, सिंपली कोई बटन दबाए बगैर तो सारे सेलेक्ट हो गए। और फिर इन सबको वही राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इनर पिलर मार्बल। ठीक है, कौन से मार्बल और बचे, ये सब उम्मीद है ये वाले बचे, एफ, ये मार्बल सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इस मार्बल को सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, तो ये वो फ्रंट वाले पोस्ट थे। इनको भी अगर आप चाहो तो मैं कह दिया कि यार इनको भी मैंने सेम मटेरियल फिलहाल असाइन कर दो। तो ये चार फ्रंट के असाइन हो गए। ये मार्बल कौन से हैं, इनको सेलेक्ट किया, आउटलाइनर में आए, एफ प्रेस किया, ये चारों सेलेक्ट करते हुए असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ठीक है, और कौन से बचे, ये वाले एफ, चारों सेलेक्ट, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। तो अगर आपने ग्रुप किए हुए हैं तो सीधे समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इजी, एंड देन अगर आपने नेम किए हुए तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की है। ये मॉस्क आर्चेस, तो सारी आर्चेस आ गई, ये पिलर्स, तो सारे पिलर आ गए। मैंने आर्च पे किया, एफ प्रेस किया, अब आर्च को कौन सा मटेरियल हमने दिया था, आई थिंक हमने ऑलरेडी जो बाहर वाले को दिया हुआ था वही वाला दे सकते हैं, या मटेरियल न्यू मटेरियल करके थोड़ा सा इसको भी मैं फॉर्म शाइनी मटेरियल देता हूँ, बाहर वाले शाइनी नहीं था। मैंने कहा यार ये मेरा, बल्कि इसको भी शाइनी दें, नॉन शाइनी दें, नहीं ये नॉन शाइनी होना चाहिए वरना मज़ा नहीं करेगा ये। चलो अभी फ़िलहाल तो दे दिया, इसको मैं चाह रहा हूँ कि वाइट मटेरियल ही हो, तो कलर वाइट कर दिया। अब वाइट यहाँ पे देखो, ग्रे यहाँ पे वाइट है, वजह यह कि जब लाइट पड़ेगी तो ये मटेरियल थोड़ा सा कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको मैंने और वो करने के लिए मैं इसकी जो एम्बियंस है वो बढ़ा दूँगा। एम्बियंस से ये होगा कि यार ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सेल्फ लाइट को प्रोजेक्ट करेगा, लाइट को इमिट करेगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कलर, और फिर डिफ्यूज़ का मतलब ये कि जब लाइट इस पर पड़ेगी तो कितनी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो या कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो, जितना आप डिफ्यूज़ को बढ़ाओगे देखो मटेरियल आपका ब्राइट हो जाएगा। डिफ्यूज़ जीरो कर दी मतलब अब ये 100% लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट डार्क हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका ऑब्जेक्ट की आपने डिफ्यूज़ जीरो कर दी, मीन्स इसमें से लाइट टकरा कर बाउंस बैक हो ही नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक हो गया। हैंस हमें इसमें थोड़ी बहुत डिफ्यूज़ हर ऑब्जेक्ट में होती है, तो जितनी ज़्यादा लाइट बाउंस होगी उतना ऑब्जेक्ट आपका शाइन नज़र आएगा, तो ये भी मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, और ये मटेरियल को मैंने दे दिया आई डबल इनर ए आर सी एच एस आर्चेस अंडरस्कोर डब्ल्यू एच आई टी वाइट मटेरियल। ठीक, और फिर इस आर्च को सेलेक्ट किया, आउटलाइनर में आए, एफ प्रेस किया, एफ के साथ आर्च ए आर सी एच, अगर आर्च लिखोगे तो सारी सिर्फ आपके पास आर्च आ जाएंगे, बाकी सारे मटेरियल गायब हो गए। इस ग्रुप में और भी मटेरियल हैं पर आर्च नाम से सिर्फ ये मौजूद है। इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इनर पिलर आर्चेस वाइट असाइन कर दी, इसको सेलेक्ट किया, ये सारे आर्चेस आ गए, राइट क्लिक, इनर पिलर एग्जिस्टिंग आर्चेस। ठीक है, अगेन अब ये क्या सर्चिंग टेक्निक है, मैंने शुरू में ही हमने कहा था ऑब्जेक्ट्स को नेम करते हुए चलो, इस केस में क्यों, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेशन है, तो जब अगर आप जनरल आउटलाइनर खोलो और मैं आर्चेस को हटा दूँ तो आउटलाइनर में सर्च का ऑप्शन है, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आउटलाइनर सब चीज़ें दिखाता है। तो मैंने कोशिश की थी कि शुरू में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते चले हम और सबको एक सीक्वेंस में रखें, अभी भी देखो ये ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द सीक्वेंस पड़े हैं, ये जो पिलर्स हैं पॉलीक्यूब, इनके कोई नाम नहीं है, बल्कि ये पॉलीक्यूब ये रहे, सॉरी स्टेयर्स वाले हैं, W, इसको मूव किया, चेक करो सीन में सिर्फ यही मूव हो रहे हैं, हाँ स्टेयर्स हैं। अब क्या करो, इन सब को आके एक साथ ही आप रीनेम कर सकते हो, चैनल बॉक्स में आके एफ आर ओ एन टी फ्रंट एस टी ए आई एस स्टेयर्स अंडरस्कोर भी छोड़ दो, एंटर प्रेस कर दो,
ऑटोमेटिकली नहीं सिर्फ एक ही नाम होगा यार, होने तो सारे चाहिए। क्यों यार, एक मैंने दो तीन सेलेक्ट किए, एफ आर ओ एन डी फ्रंट एस टी ए आई आर स्टेयर्स, सिर्फ एक को इसने चेंज किया, बाकी को नहीं किया। चलो इन सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी का नाम दे देते हैं फ्रंट एस टी ए आई आर एस स्टेयर्स। ठीक है, तो कुछ आउटसाइड ग्रिल, फ्रंट पे पोर्च, आउट पोर्च कुछ नेम बने हुए, बाकी कुछ पे नेम्स अभी भी हमारे पास नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको नेम करो, और फिर यहाँ पे जाके अगर मैंने आर्च लिखा तो अब वो पूरे के पूरे आर्चेज उठा के लेकर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा यार ए आर सी एच आर्च, तो आर्चेज आ गई यहाँ पे, और इसको आके मैंने कहा एफ, ये सेलेक्ट हो गई। ये वाली कौन सी है, ये वाली है। अब पूरे आउटलाइनर में जो आर्चेज हैं सिर्फ वो दिखा रहा है, या जो उसकी ग्रुप जिस ग्रुप के अंदर आर्चे वो ग्रुप दिखाएगा, उस ग्रुप के अंदर के भी बाकी ऑब्जेक्ट को खुद ही हाइड कर देगा। तो इससे आसान हो जाता है माया के अंदर थोड़ा सा काम करना। ठीक है, बाकी कौन सी बची, ये वाली आर्चेस एफ आई थिंक, ये वाली आर्चे, राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल। ठीक है, ये चारों आर्चेस हो गई, और इसी तरह से इसको भी मैं राइट क्लिक, इनको भी एक्चुअली हमें करना वो था सेम असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, बल्कि इसको वो देते हैं राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, आप लैम्बर्ट किधर गया, ये रहा लैम्बर्ट, ए आर सी एच एस आर्चेस बेस। ठीक है, और मैं दे दूंगा ग्रीन अंडरस्कोर मटेरियल टाइप का। फाइल में गए, फाइल दिया, यहाँ से गए, और जो ये वाला था ना मटेरियल, ये टाइप ओपन। ठीक, और इधर ये दिया नहीं दिया मैंने, ये भी राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल इनर पिलर मार्बल यू बेस ग्रीन, ये वाला। ठीक, और यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग तो करो, अदरवाइज ये सब के सब ऐसे ही नज़र आएंगे। यार ये क्यों ऐसे नज़र आ रहा है, ये क्यों ऐसे नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये ऐसे क्यों है। रेंडर व्यूपोर्ट लेगेसी अगर मैं ऑन करूँ, अब सही हुआ, अब इसमें कुछ नज़र आ रहा है, कुछ के ऑब्जेक्ट ही गायब हो गए। माया बड़ा दर्द देता है। अब ये ऑब्जेक्ट देखो टेक्निकली ट्रांसपेरेंट हो गया, ये जो मटेरियल था अब इसको यहाँ पे देखो कैसे नज़र आ रहा है। ठीक, मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओ, मटेरियल में जाओ, टू डी टेक्सचर नोड। तो टेक्निकली हुआ ये है कि ग्रीन वाला साइड इधर हो गया है, नॉर्मल इधर हो गया है। मैंने कहा इसको रोटेट करो, इसको 90 डिग्रीज हमने रोटेट करा दिया। यार व्यू पॉइंट इसका क्यों ऐसा है, तो प्रॉपरली दिखा नहीं रहा यार माया का। क्या बंदा करे इस चीज का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वर्टेक्स एनिमेशन कैसे, जीपीएस सेटिंग, लिमिट लाइट, ट्रांसपेरेंसी एल्गोरिथम, प्लान टेक्सचर रेजोल्यूशन, मैं टेस्ट अंडर कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो डाउन और एचडी से इसको उठा के फिलहाल 640 पे 480 कर दी, रेजोल्यूशन 720 रखी, प्रोडक्शन क्वालिटी से इसको बस ऐसे प्रीव्यू क्वालिटी कर दिया। ठीक है, इससे ये होगा कि थोड़ा सा ये जल्दी रेंडर करके
मुझे बताएगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ से. तो अब ये ऑब्जेक्ट वाकई गायब हो गए, इन नलायकों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. इन दोनों को सेलेक्ट किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल, और इसके मटीरियल का नाम था बेस फिलर मटीरियल, राइट. अच्छा हाँ, एक चीज़ माया में हो गई. अच्छा ये क्या हुई है, इनको मैंने ये जो तीन पिलर्स हैं ठीक है, मैंने रेंडर में भी किया, एडिट रेंडर, ये पिलर तो नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये पिलर गायब हो गया. ठीक, ये प्रॉब्लम आ गई माया के अंदर, लेकिन एक्चुअली माया की प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम हुई है कि सम हाउ वाइल वर्किंग आइदर कोई ऐसी शॉर्टकट है की जो हमें नहीं पता और वो की प्रेस हो गई है, तो उससे हुआ यह है कि इस ऑब्जेक्ट के मटीरियल डिलीट हो गए, जिससे हुआ यह है कि अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनके मटीरियल गायब हो गए. ऑब्जेक्ट हैं, मटीरियल गायब हो गए, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रंगीन मिजाज के सूरत में नज़र आ रहा है. तो मैंने इंडिविजुअली सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल और बेस पिलर मटीरियल करके सबको मटीरियल दे दिया. ठीक, अरे सबको देना था यार, इधर भी आ जाओ, असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल बेस पिलर, क्यों सबको साइन नहीं हुआ. चलो आई गेस फिर सबको इंडिविजुअली देते, चलो असाइन एग्जिस्टिंग बेस पिलर, क्यों नहीं उठा रहा इसका. यूवीज ऑटोमेटिक मैपिंग, अच्छा तो अब इसकी दूसरा मसला. ठीक, फॉर एग्जांपल इसको मैं गया, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल बेस पिलर, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम. इधर आ गए जी, अच्छा जी से नहीं होगा. क्विक तरीका यह है कि हम डिस्प्ले विंडो रिलेशनशिप एडिटर्स हाइपरशेड, ठीक है हाइपरशेड खोला, और ये जितने भी मटेरियल थे ऑब्जेक्ट्स थे सबको किया सेलेक्ट, और आपने वो मटेरियल किधर गया, ग्रिल 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 बेस पिलर मटेरियल, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, आई एम अज्यूमिंग कि सबको असाइन हो गया. ठीक है, अगर असाइन नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी कोई पिलर ऐसा है कि जो ग्रीन बचा इन दिस केस, तो बेसिकली इसका मतलब उसके अभी भी यूवी मैपिंग सही नहीं है, तो मुझे उसकी फिर जैसे ये पिलर रह गया तो पहले इनकी यूवी में जाकर ऑटोमेटिक मैपिंग करनी पड़ेगी, और फिर राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड देन असाइन न्यू मटेरियल बेस पिलर मटेरियल, अब आ गया. ठीक है, ये कुछ एक आधे प्रॉब्लम है जो कभी कभी माया में आ जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस, जैसे अभी यहाँ पर आ गए, तो इनको सेलेक्ट किया, और इसी तरह से आई थिंक ये भी आर्च 26 है, तो ये आर्च एफ लबला, इसको भी सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट करो, एग्जिस्टिंग मटीरियल, ठीक ये दोनों हो गई. इस ऑब्जेक्ट के पास आओ, राइट क्लिक बेस मटीरियल ग्रीन, ये पिलर रह गया. ठीक, तो इसको भी सेलेक्ट किया, यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग, भाई हो जाए यार, राइट क्लिक असाइन मटीरियल, अभी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, टेक्सचर करने. तो ये हमारे पास बेसिकली बेसिक मटेरियलिंग, बेसिक टेक्सचरिंग जो थी वो इन सब की हो गई. ये रह गया एक, ठीक इसको किया बंद, इसको किया बड़ा, और अगेन अब स्टिल टॉप का रहता है. तो बेसिकली आपको टेक्सचर करना ऐसा है, अब जब आप बम्प असाइन करोगे तो जो बम्प होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बम्प मैपिंग असाइन की हुई है, तो बम्प सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि आपने कलर में बम्प असाइन कर दिया. मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, कलर में कलर देते हैं, बम्प मैप सिर्फ बम्प मैप में असाइन करेंगे. हाँ होता वो ब्लैक एंड वाइट ही है, पर वो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करेगा कि इसमें खड्डा खड्डा किया हुआ, अदरवाइज नहीं होना चाहिए. पासन में ठीक है, उतर नहीं ना कलर देंगे, ठीक. इसको थोड़ा सा भी हम टेस्ट रेंडर करके एक मिनट देख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे रखा, और अब क्वालिटी भले आप चाहो तो थोड़ी सी हम
रोटेशन में जाके रेजोल्यूशन उठा के इसकी फुल 120 कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रखते हुए रैंडम आ गया। ठीक, नीचे के जो बेस थे वो हल्के हल्के ग्रीनिश फंगस टाइप के लग रहे हैं, ये कलर इसका ऐसे फेड हो गया। अब इस पर भी अगर आप चाहो तो फेड और थोड़ा सा बंप मैप यहाँ पे भी आएंगे, तो ये पिलर्स भी पानी से इरोड हो जाने चाहिए, तो यहाँ पे भी कहीं हल्का हल्का से ग्रीन सा इस एलजी टाइप का टेक्सचर लगाना पड़ेगा, ये करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो टेक्सचर है ये तो आगे आप इसमें भी देखो प्रॉब्लम वही है कि ये बिल्कुल मिक्स हो गए यहाँ पे, मतलब इधर हमें वो थोड़ा सा डिवेलिंग करनी पड़ेगी बॉर्डर्स पे ताकि थोड़ा कोने शार्प से नजर आए। और जो अगर आप थोड़ा सा और जूम करो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस, पर ये जो है ये मुझे वैसे तो अच्छे लग गए, फर्स्ट क्लास बन गए, पर थोड़े से छोटे हैं आई गेस इट्स ओके। इसके ऊपर हम चाहें तो एक ग्रिल बना के वो रेलिंग टाइप की वो भी लग सकते हैं। अगेन अब ये वो मॉडलिंग चीज़ है कि जो आप जितनी करते जाओगे ये आपकी होती जाएंगी, इसमें चीज़ें ऐड होती जाएंगी और इसमें आपके ऑप्शन जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली इसको ऑब्वियसली मुझे इसको करना है थोड़ा सा और टेक्स्चर, तो उसमें भी कल नेक्स्ट क्लास में आके थोड़ा डिटेल में ग्लास का टेक्स्चर उसको डिस्कस करना है, रिफ्लेक्टिविटी शाइन इसको थोड़ा सा मैंने डिस्कस करना है, और जिस तरह से हमने नीचे ये प्लेन बनाया था ज़मीन का, ठीक है इसको ज़रा मैं और एक नज़र से रेंडर तो मारूँ, तो ये इसका टेक्स्ट इसको भी बंप देना है, और फिर वाटर नीचे समंदर ये पूरा फैक्ट जो है इस ओशन कैसे बनाया जाए या लेक कैसे बनाई जाए, यार ये तो हीर आ गया समंदर टेक्स्चर, ठीक है बीच का बड़ा ज़बरदस्त कलर दे दिया। अभी इस पर थोड़ा बंप नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन दिया हुआ, इसका बंप भी हम क्रिएट कर लेंगे ताकि ये चीज़ तो नेक्स्ट क्लास में मॉडल में और कुछ इसमें ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि अब ऐड करने बैठे तो आप 10,000 चीज़ें और मॉडलिंग में आ जाती हैं। फिलहाल मेरे जैसे अभी मीनार रह गया इसके मेन, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई है, या अगर ज़रूरत पड़ी तो मीनार में बाद में ऑफ टाइम पर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ओशन भी हम बना लें इस तरह से, इन्वायरमेंट कम्प्लीट करके ओशन बना के रेंडर करके लाइटिंग करें, ओबियसली लाइट अच्छी तरह से करें ताकि रियलिस्टिक और बड़ी ज़बरदस्त मॉस्क लगे बैकग्राउंड वैकग्राउंड के साथ, तो वो फिर हम फोटोशॉप में भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, माया में भी दे सकते हैं, इसको कंप्लीट करके फिर हम इसके एज अ पोर्टफोलियो के तौर पर अपने पास सेव कर, ठीक है। स्केच फैब जो मैंने बताई थी उसमें एडवांटेज ये है कि स्केच फैब जो है पूरा 3D मॉडल था जो मथे सेव करे चलिए, उन 3D मॉडल के जी माया मेरे साथ हो पे ना, ये तो ताई पूरा मॉडल कर दो ना तो पूरा वेब